यूएसए के खिलाफ हार के बाद सुपर 8 में फंस गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के हार से वर्ल्ड कप पॉइंट टेबल में आया तूफान, अब सिर्फ इस तरह से क्वालिफाई कर सकती है टीम पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, आखिरकार किस तरह से सुपर 8 में फंसा पाकिस्तान और अब किस तरह से सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकती है टीम पाकिस्तान, बताएंगे आपको पूरा समीकरण इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। T20 विश्व कप 2024 के अपने पहले ही मुकाबले में टीम पाकिस्तान को यूएसए के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस मुकाबले में यूएसए और पाकिस्तान के बीच कांटे की जंग देखने को मिली। आलम ये रहा कि मुकाबले का नतीजा सुपर ओवर से निकला। हालांकि सुपर ओवर में टीम पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी है, वहीं यूएसए की टीम ने लगातार T20 विश्व कप में 2 मुकाबले जीत लिए हैं। आपको बता दें कि अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान टीम को मिली हार के बाद अब उसके सुपर 8 में क्वालिफाई करने के समीकरण में काफी मुसीबतें खड़ी हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम को अब 3 और मुकाबले खेलने हैं और इन तीनों मुकाबलों में पाकिस्तान टीम को बेहतर प्रदर्शन करना होगा अगर उसे सुपर 8 में क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले उसे भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी, क्योंकि अगर टीम पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हार मिलती है तो वो उसकी लगातार दूसरी हार होगी। ऐसे में उसके सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें खत्म होते नजर आएगी। इसी के साथ पाकिस्तान टीम को अपने बाकी बचे ग्रुप स्टेज के 2 मुकाबलों में और बेहतर प्रदर्शन कर जीत दर्ज करनी होगी, जिससे वो 3 जीत और 6 अंकों के साथ सुपर 8 में क्वालिफाई कर सके। ऐसे में भारत के खिलाफ होने वाला मुकाबला पाकिस्तान टीम के लिए करो या मरो का हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस महामुकाबले में क्या टीम पाकिस्तान भारत को हरा कर सुपर 8 के लिए अपनी दावेदारी को और भी मजबूत कर पाएगी या नहीं। दोस्तों आपके मुताबिक पाकिस्तान की टीम क्या भारत को इस मुकाबले में हराने में सफल होगी या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।